स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल लालेश्वरपट्ट में मेरा नाम है विशाल प्रजापति तो जैसा कि आप लोगों को पता है आज है छः जून और अगले हफ्ते बारह जून से इन स्टेटस वालों की छात्रवृत्ति भेजी जाएगी जी हाँ गाइज कौन कौन से छात्र होंगे जिनका पैसा अगले हफ्ते बारह जून के बाद से भेजा जाएगा सारा कुछ वीडियो में आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ और जित इन सभी कैटेगरी के जितने भी रिजेक्ट स्टेटस थे वेरीफाइड होना दोबारा से स्टार्ट हो चुके हैं और जो एक नया रूल लागू होने वाला है कि एक साल में दो बार छात्रवृत्ति मिलेगी तो इसके बारे में में क्या अपडेट है क्या रूल रेगुलेशन है सब कुछ समझाऊंगा तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब करना कि पहले मैं आपको कुछ स्टेटस दिखा देता हूँ यहाँ पर आप लोग देख लीजिए यहाँ पर इनका नेम क्या भाई क्रिकेट किंग सुमित यादव सुमित यादव जी ने यह भेजा और बोला कि सर मैं यसि से हूँ मेरा पहले रिजेक्ट था अब मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाइड हो गया यहाँ पर देख सकते हो इनका स्टेटस भी दिख रहा है पहले इनका रिजेक्ट था अब डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाइड हो गया यहाँ पर भी देख सकते हो वही सुमित है इनका पहले रिजेक्ट था अब डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाइड हो गया है तो देखो मैं बता दूँ जितने भी यस सी कैटेगरी के छात्र हैं और जितने लोगों का स्टेटस पहले रिजेक्ट था उसके बाद उनका क्या हुआ रिजेक्ट के बाद पेंडिंग हो गया था पेंडिंग के बाद दोबारा से यस सी के जितने भी रिजेक्टेड स्टेटस थे सभी वेरीफाइड हो गए अभी दो तीन दिन पहले से वेरीफाइड होना शुरू हो चुके हैं और सभी लोगों के ऑलमोस्ट हो चुके हैं वेरीफ़ाइड कुछ ही लोगों का फिर से दोबारा से रिजेक्ट हुआ नहीं तो बाकी सबका वेरीफाइड हो गया है तो देखो जितने भी यस के छात्रों का स्टेटस वेरीफाइड हो गया है उनका जो ऑफिशियल डेट है मैं आपको बता दूं जैसे ये स्टेटस वेरीफाइड है तो यस वालों का जो नया सर्कुलर आया तो उसमें बोला गया कि 12 जून से पैसा भेजा जाएगा तो आज 6 जून है तो 12 जून मतलब अगले हफ्ते 12 जून के बाद से जितने भी एस कैटेगरी के और यस कैटेगरी के छात्र हैं उनका पैसा भेज दिया जाएगा ये बातें क्लियर हो गई अगले हफ्ते किसका पैसा आएगा एस और एस के वेरीफाइड वालों का अब जो नया रूल अभी आया था कि हर सेमेस्टर में होगी शुल्क भरपाई मतलब साल भर में दो बार स्कॉलरशिप मिलेगी तो इसको लेकर भी बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज़ थे तो मैं बता दूँ इस पर अभी विचार किया जा रहा है असीम अरूढ़ समाज कल्याण मंत्री जी ने बोला कि जिन जिन कोर्सों में सेमेस्टर वाइज मतलब सेमेस्टर प्रणाली चलती है जैसे बीठा बी बीटेक टेक बी फार्म डी फार्म डी फार्म सॉरी डी फार्म तो यही चलता है बीटेक हुआ बी फार्म हुआ एमबीए हुआ बी हुआ बी काम हुआ जो भी सेमेस्टर वाइज चलते हैं वहाँ पर हर सेमेस्टर वाइज मिलेगा मतलब पहले सेमेस्टर में आप मान लो सेकेंड ईयर में हो तो थर्ड सेमेस्टर में आप फार्म भर दिए स्टार्टिंग में तो थर्ड सेमेस्टर का जब एग्जाम देखें रिजल्ट आएगा तो थर्ड सेमेस्टर की स्कॉलरशिप मिल जाएगी उसके बाद फोर्थ में फार्म नहीं भरना होगा फिर फोर्थ में आपको थोड़ा सा कुछ ऑनलाइन जाके वही रिन्यूअल करना पड़ेगा कोई स्टेप नहीं रहेगा ज़्यादा थोड़ा सा वैसे करना रहेगा उसके बाद फोर्थ का जब आपका रिजल्ट आ जाएगा फोर्थ में भी मिल जाएगी मतलब वही काल सिर्फ दो पार्ट में मिलेगी ऐसा नहीं है कि छत्तीस हज़ार मिलती है तो छत्तीस छत्तीस दो बार मिलेगी उसको गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिवाइड करके दो बार में देगी और जहाँ एल वाइज है वहाँ यी वाइज चलेगी अब वो अलग मैटर कि भाई गवर्नमेंट एक रुपये नहीं दे पा रही है और दो बार देने की बात कर रही है तो ये सारी चीज़ें हो गई मैंने आपको बता दिया अब देखो जहाँ तक रिजल्ट के बारे में बात करूँ कि एक के टू छात्र बहुत सारे छात्र रिजल्ट को लेकर बहुत परेशान है काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं सिर्फ दो दिन से इसीलिए वीडियो अभी नहीं बनाया कि रिजल्ट को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है तो आप लोगों को फालतू का वीडियो बना के मैं इधर उधर की बातें बताऊँ कि आज आ जा जाएगा कल आ जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है इसी वजह से मैं आप लोगों का रिप्लाई भी नहीं दे रहा हूँ इंस्टाग्राम बहुत सारे मैसेज है मैं भी देख रहा हूँ बाकी यार फालतू का वीडियो बहुत लोग डालेंगे तो आप देखोगे ही Uh, मुझे नहीं लगता कि बिना किसी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के मैं आपको रिजल्ट को लेकर कोई वीडियो डालूंगा जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है रिजल्ट को लेकर मैं वीडियो डालूंगा टेंशन मत लो आप हमारे ऊपर डिपेंड रहो अब बात करते हैं आपको स्टेटस चेकआउट कहाँ से करना है फिर आगे चीज़ों पर करना क्या क्रोम ब्राउजर पर बोर्ड एग्जाम डॉट कॉम सर्च करना जैसे ही सर्च करो कि ये वाली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी तो यहाँ पर आप लोग यू पी बोर्ड सी बी एस सी बोर्ड जो भी रिजल्ट है उसको भी आप लोग देख सकते हो बात करेंगे हम लोग यू पी स्कॉलरशिप के बारे में तो यू पी स्लरशिप स्टेटस दो हज़ार बाईस इस पर आपको क्लिक करना है ऐड आएगा आपको आपको सिंपली क्लोज कर देना है स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर फ्रेश रिन सभी के लिए लिंक दी गई है जहाँ से आप लोग यहाँ पर सारी डिटेल फिल आउट करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हो आपका बैंक आधार से लिंक है या नहीं लिंक है यहाँ से भी आप लोग क्लिक पर क्लिक करके चेक कर सकते हो बोर्ड्स एग्जाम डॉट काम से समझ गए बात को यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के चेकआउट कर लेना है इसके साथ यहाँ पर भी देख सकते हो कि पंद्रह सौ छियालीस छात्रों को नहीं मिली छात्रवृत्ति लखनऊ यूनिवर्सिटी से आज की डेट में हिंदुस्तान की अपडेट आई है आधी की डेट में आया है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के पंद्रह छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं मिली और दस हज़ार फार्म भरे गए थे और इसमें बोला गया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी है जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर कुछ ये लोग अपना अलग से इस्कालरशिप चलाते हैं जहाँ पर आपको पाँच हज़ार रुपये प्रति माह दिया जाता है तो इसी के आस में स्टूडेंट बैठे हैं ये सारी चीज़ें हैं बाकी कोई खास अपडेट थी नहीं ए के को लेकर भी कुछ अपडेट थे यहाँ पर दिखा दो कि ए के की परीक्षा शुरू हो चुकी है नौ नकलची पकड़े गए यही सारी अपडेट है बाकी आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी रिजल्ट को लेकर यार मैं आपको बता दूंगा चाहे यू पी स्कॉलरशिप को लेकर हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही अब मिलेंगे नई वीडियो में नए साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर